नमस्कार दोस्तों, मैं आयशा स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि हमारे बॉलीवुड की इकलौती क्वीन यानी कि कंगना रनावत क्या कुछ कर रही हैं सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने के लिए। दोस्तों बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन कंगना रनावत अंकिता लोखंडे के साथ साथ बहुत सारे ऐसे एक्टर और एक्ट्रेस हैं जो कि सुशांत को इंसाफ दिलाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों अब सूरज पंचोली ने भी सीबीआई जांच पर हामी भर दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इस बात का खुलासा कर दिया है कि इस केस में सीबीआई जांच होनी ही चाहिए थी। दोस्तों सूरज पंचोली का नाम भी कहीं ना कहीं इस केस में शामिल हो रहा है कि सूरज पंचोली की वजह से ही सुशांत सिंह राजपूत का करियर डूबा था और डिप्रेशन में गए थे। कहीं ना कहीं सूरज पंचोली भी इस मामले में उतने ही हिस्सेदार हैं जितने कि रिया चक्रवर्ती। पर रिया चक्रवर्ती जैसे तैसे खुद को सीबीआई से बचाती हुई नजर आ रही हैं, पर सूरज पंचोली ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इस बात का खुलासा कर दिया है कि उनको सीबीआई जांच के साथ साथ एनआईए यानी कि इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो भी सपोर्ट करेगा सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने में। दोस्तों एक बार फिर से कंगना रनावत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इस बात का खुलासा कर दिया है कि सीबीआई जांच जल्द से जल्द होनी चाहिए सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए। दोस्तों खबरें ये भी आ रही हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कृति ने भी इस बात की इंफॉर्मेशन दे दी है कि उन्हें सीबीआई से बहुत सारी उम्मीदें हैं और पहली बार सुशांत सिंह राजपूत की बहन मीडिया के सामने आई और उन्होंने हर किसी से हाथ जोड़कर विनती की है कि जल्द से जल्द मेरे भाई को इंसाफ दिलाया जाए। दोस्तों क्या कुछ आपको कहना है सुशांत सिंह राजपूत के केस पर, आप अपना राय हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। बॉलीवुड इंडस्ट्री और सोशल मीडिया से जुड़ी ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों को लगातार जानने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।